श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री महाकालेश्वर महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधा मोहन सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन। डेरी वाले बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री भगवान की कथा शुरू करने से पहले आइए हम थोड़ी देर भगवान का नाम संकीर्तन करें। सीता राम 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 सीता राम राम
अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक परात पर ब्रह्म परमात्मा श्री सीताराम जी, गुरु श्री हनुमंत लाल जी, डेरे वाले बाबा के परम पावन सानिध्य में हम श्री भगवान की कथा भगवत भक्ति करने के लिए विराजमान हुए हैं। कल के प्रसंग में हमने देखा कि श्री माँ पार्वती जी और भगवान श्री महादेव जी दोनों ही बड़े प्रेम से कैलाश धाम पर पधारते हैं। वहाँ आने के बाद में श्री भगवान महादेव जी और मैया पार्वती जी आनंद से विहार करते हैं। फिर श्री कार्तिक स्वामी जी का जन्म होता है, तारकासुर नाम के असुर का वध होता है। आज भगवान श्री महादेव जी बहुत ही माधुरी स्वभाव में बैठे हुए हैं, शीश पर जटा बनी हुई है, कर्पूर गौरम गौर वर्ण है श्री महादेव जी का, और श्री माँ पार्वती जी पास में आई है और दोनों हाथ जोड़ करके मैया जैसे सामने आई तो भगवान श्री महादेव जी ने तुरंत अपने वाम भाग में स्थान दिया है और मैया वाम भाग में बैठ करके पूछने लगती है कि प्रभु मेरे मन में बहुत दिन के जो प्रश्न हैं आज उनका उत्तर आपसे मैं जानने आई हूँ। प्रश्न तो पहले ही वाले हैं लेकिन मेरे पूछने की शैली में मेरे भाव में परिवर्तन है। पहले जो मेरा भाव था वो अहंकार का था और आज मेरा जो भाव है वो श्रद्धा से है, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आप मुझे उसका उत्तर दीजिए। तो भगवान श्री महादेव जी ने कहा कि हाँ ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहती हो। तो मैया ने कहा कि प्रभु आप मुझे ये बताइए कि जो निराकार ब्रह्म है वो सगुण साकार स्वरूप क्यों धारण करता है, संसार में क्यों आते हैं। फिर भगवान जब संसार में आए, चलो वो भी बात मान ली कि आए हैं, प्रभु ने आने के बाद में बहुत सारी बाल लीलाएं की, उसके बाद में जनेऊ संस्कार हुआ, उसके बाद गुरु के घर गए, उसके बाद में विवाह हुआ है, उसके बाद में वन में चले गए, वन के बाद भी चलो वो भी मान लिया कि वन में जाना था प्रभु को गए, परंतु वहाँ जाने के बाद भी श्री जानकी जी का हरण हुआ है, उसके बाद रावण को मारा है, तो क्या वही ब्रह्म जो है जहाँ से है वहाँ से वो क्या रावण को नहीं मार सकते थे, पलभर में जो सृष्टि को बना सकते हैं, पलभर में जो बिगाड़ सकते हैं, वही ईश्वर जहाँ है वहीं से वो रावण को नहीं मार सकते थे। तो भगवान ने निराकार से सगुण साकार स्वरूप क्यों धारण किया है। प्रथम सुकारण कहूं विचारी सगुण साकार स्वरूप धारण करता है तो क्यों धारण करते हैं आप ये बताइए। तो श्री भगवान श्री महादेव जी ने कहा कि देवी सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भगवान के श्री राम जी के विषय में आपके मन में
आप कह रही है कि मुझे पहले जैसा संदेह नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ कि आपको अभी भी संदेह है। आप ये पूछ रही हैं कि निराकार ब्रह्म संसार में क्यों आ रहा है, फिर रावण को मारने के लिए उन्होंने सब लीलाएं क्यों की है। तो मैं आपसे सबसे पहले आपके इस संदेह को दूर करना चाहता हूँ कि जो निराकार ब्रह्म है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जो निराकार ब्रह्म है वो बिना ही आंख के देख सकता है, बिना ही हाथ के कर्म कर सकता है, बिना ही पैर के वो चल सकता है, बिना ही कान के वो सुन सकता है, और बिना ही मन के वो कर्म कर सकता है। सर्वत्र गति श्री प्रभु जिस रूप में है उसी में वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी संसार में श्री भगवान का अवतार पृथ्वी पर होता है। इसका एक ही कारण है कि भगवान के अवतार का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि भगवान की इच्छा ही भगवान के अवतार का कारण होती है। दुनिया में क्या तीनों लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं जो भगवान को संसार में अवतार लेने के लिए बाध्य कर दे। श्री प्रभु की इच्छा ही प्रभु के अवतार का कारण बनती है संसार में आने का। जब उनका मन होता है कि संसार में जाकर के थोड़ी कुश्ती आदि लड़े, थोड़ा खेल करें, तब अनेक प्रकार के कारण वो स्वतः ही मौजूद कर लेते हैं। तो श्री भगवान के अवतार का कारण श्री भगवान की इच्छा ही होती है। पर फिर भी मैं कथा के लिए आपको दो चार कारण पार्वती सुनाता हूँ कि श्री भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर कब होता है। बोले कब होता है, तो श्री महादेव जी ने कहा कि पृथ्वी पर अवतार का जो कारण है, सबसे पहले आप जानो कि प्रभु की इच्छा ही भगवान के अवतार का कारण होती है। दूसरी बात है कि जब जब होई धर्म के शुरुआत अभिमान से होती है, और ये अभिमान ही अच्छे भले मनुष्य की प्रवृत्ति को बदल करके राक्षस बना देता है। तो श्री भगवान की जो कथा है यही दिखाती है कि कैसे अभिमानी व्यक्ति को राक्षस की प्रवृत्ति में ये बदल देता है। मनुष्य में सर्वप्रथम अभिमान आता है, और अभिमान जब आ जाता है तो अपने सिर से सारी सत्ता को हटा लेता है, निरंकुश हो जाता है, ईश्वर की सत्ता को खत्म कर देता है, धर्म की सत्ता को खत्म कर देता है, और फिर बढ़ते बढ़ते उसका मन इतना कठोर हो जाता है कि वो विभिन्न प्रकार के अधर्म करने से पीछे नहीं हटता है। तो जब जब वो धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब भी इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है, तब भगवान निराकार स्वरूप से साकार रूप में आकर के पृथ्वी पर अवतार को धारण करते हैं। तो श्री महादेव जी ने कहा कि फिर भी मैं आपको कथा के लिए दो चार कारण बताता हूँ। पहला कारण यह है, श्री भगवान के अवतार का प्रथम कारण है कि जय और विजय भगवान के दो प्रिय द्वारपाल थे, जो बहुत ही प्रिय द्वारपाल थे।
श्री भगवान के द्वार के कई सारे गेट हैं बैकुंठ धाम के, तो उनके सबसे करीब वाले दरवाजे पर, गेट पर जय और विजय दोनों पहरा देते हैं। बहुत ही ज्यादा भगवान के करीब ये द्वारपाल बसते हैं। इस गेट के बाद में किसी और गेट का की जरूरत नहीं रहती है। तो द्वार जय और विजय दोनों भगवान के द्वारपाल हैं। एक बार अचानक श्री लक्ष्मी जी कहीं भ्रमण करती हुई बाहर गई थी, लौट करके जब वो वापस आई तो जय विजय ने आज गेट को बंद कर लिया है। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो, तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे अंदर जाना है। जय विजय ने कहा कि आप अंदर जा सकती हो, लेकिन आज जो नियम है वो बदल गया है, पहले अनुमति लेना पड़ता है भगवान से, उसके बाद ही आप अंदर जा सकती हो। तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा कि मूर्खो, ये अनुमति वाला जो आदेश भगवान ने दिया है ये संसार के लोगों के लिए दिया होगा, मेरे लिए थोड़ी दिया होगा, मेरा ही घर है और मुझे ही मना कर रहे हो। तो जय विजय ने कहा कि रोज का नियम आज बदल गया है, आज का अलग नियम है। तो लक्ष्मी जी समझ गई कि इनके मन में अभिमान का जो बीज है वो अंकुरित निश्चित रूप से हो गया है। तो श्री लक्ष्मी जी ने बार बार बोला, तब जैसे तैसे जय विजय ने अंदर जाने दिया। अब जैसे लक्ष्मी जी अंदर गई तो यहाँ पर श्री भगवान अपनी सैया पर आराम से लेटे हुए थे। तो श्री लक्ष्मी जी गई और श्री भगवान के चरणों को धीरे धीरे दबाने लगती है। तो श्री भगवान ने करवट बदलते कहा कि अरे लक्ष्मी देखो, तुम धीरे धीरे दबाओ, मुझे ना दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो श्री लक्ष्मी जी के मन में एक बात आई, मन में और ज्यादा टेंशन हो गया कि बड़े बड़े निशाचर लोग इनकी साधना करते हैं, इनकी तपस्या करते हैं, इनसे ही शक्ति अर्जित करते हैं और फिर इनके ऊपर उन शक्ति को चलाते हैं। कौन? राक्षस लोग, वो यही काम करते हैं। तपस्या करके वरदान भी भगवान से ही पाते हैं और इस वरदान का इस्तेमाल भी वो भगवान के ऊपर ही कर देते हैं। तो श्री लक्ष्मी जी ने देखा कि जब अनंत राक्षस लोग इन पर आक्रमण करेंगे तो उनके तीव्र गति, उनके शस्त्रों का प्रहार कैसे सहन करेंगे। जब मैं लक्ष्मी कमल का फूल सबसे हल्का है, उससे ज्यादा हल्की मैं हूँ और मैं मेरे कोमल कर कमल से चरण को दबा रही हूँ, तो ये कह रहे अरे धीरे धीरे दबाओ, मुझे दर्द हो रहा है। तो जब ये मेरे कोमल कर कमल का स्पर्श सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जब बड़े बड़े निशाचर शस्त्रों के द्वारा इन पर आक्रमण करेंगे तो उसका प्रहार ये कैसे सहन कर पाएंगे। तो लक्ष्मी जी के मन में टेंशन हो गया। तो उसी प्रकार अब श्री भगवान ने सोचा कि आज हमारे ही घर में गड़बड़ी हो गई है, बाहर चेला लोगों का दिमाग हो गया है खराब कि हम तो बहुत ऊंचे हैं तो ऊंचाई का अभिमान हो गया, और अंदर देखो तो श्रीमती जी को हमारी शक्ति पर ही संदेह हो गया है। तो अब एक तीर से छोड़ना है और दो दो निशाने साधने हैं का, ठीक है। अब प्रभु ने प्रेरित किया है सनकादिक ऋषियों को। सनकादिक ऋषि लोग दिखने में बिल्कुल कैसे लगते हैं, 5 वर्ष के लाला, लेकिन आयु बहुत लंबी आयु है इनकी, और दिखने में केवल कैसे लगते हैं, जब भी देखते हैं तो 5 वर्ष के लाला लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी ने जब इन्हें प्रकट किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ बेटा, संसार में जाओगे तो बड़े होने के बाद में शादी करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी है कि संसार में जाकर शादी करना, भक्ति करते रहेंगे ना। तो श्री प्रभु ने कहा, ब्रह्मा जी ने, कि बेटा संसार का नियम है कि संसार में अगर जाएंगे तो बड़े होने के बाद में संसार के लोग शादी जरूर करते हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ऐसी कृपा करिए कि हम 5 वर्ष से ज्यादा इस संसार के लोगों को लगे ही नहीं, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। तो 5 वर्ष के बच्चे का कौन विवाह करता है। तो तब से सनकादिक ऋषि 5 वर्ष के लाला के समान दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज सनकादिक ऋषियों को प्रभु ने प्रेरित किया, जैसे द्वार पर आए तो जय विजय ने तुरंत गेट को बंद कर लिया। तो सनकादिक ऋषियों ने क्या कहा कि आप लोग हमको भूल गए हो क्या, हम तो प्रभु के प्रिय द्वार पर, हम उनके लाडले भक्त हैं और प्रभु हमारे पिता हैं, तो पिता के दर्शन करने हम तो कई बार आए हैं, तब तो आपने ऐसा नहीं किया। जय विजय ने कहा कि वो तब की बात अलग थी और आज की बात अलग है, आज नियम बदल गया है। तो संत लोग तो त्रिकालदर्शी है, संतों ने मन ही मन में सोचा कि आज नियम नहीं बदला है, ये तुम लोगों की खोपड़ी बदल गई है। खोपड़ी हमेशा बदलती रहती है, इसका नाम ही खोपड़ी है,
मने खो को अलग कर दें तो केवल पड़ी रहती है। खोपड़ी का अर्थ है कि हमेशा पड़ी रहती है, इसलिए हमेशा खोती रहती है। जनकादिक ऋषि ने कहा कि आज नियम नहीं, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक बदल गया है। थोड़ी देर मनवार करी कि हम संसार के संत है और शिव भगवान हमारे पिता है, और पिता के दर्शन करने के लिए हमें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, तो जाने दो हमको अंदर। लेकिन जय विजय का भाव चूंकि आज बदल गया है, अपनी ऊंचाई का अभिमान हो गया है, तो संतों को क्रोध आ गया और संतों ने कहा, सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आज तुम्हारा स्वभाव बदल गया है। तो क्रोध में आकर के कहा कि आपका जो ये काम है, काम क्रोध लोभ अहंकार और मोह, इनका रास्ता बैकुंठ धाम नहीं नरक होता है। तो आप लोगों का जितना ऊंचाई पर निवास है, उतनी ऊंचाई पर तुम लोग रहने के लायक बचे नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर अहंकार की प्रवृत्ति हो गई है। और अहंकारी मनुष्य का जो निवास है वो बैकुंठ धाम नहीं हो सकता है, सीधा नरक में जाना पड़ता है। तो आप लोग आज अहंकारी हो गए हो, तो आप यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो। तो यही सोच करके श्री सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये सब काम तो पृथ्वी के मनुष्य करते हैं, कभी अहंकार करते हैं, थोड़ा सा धन आ जाए तो अहंकार हो जाता है, ज्ञान हो जाए तो अहंकार आ जाए, पद मिल जाए तो अहंकार हो जाए। इसलिए आप पृथ्वी के लोगों की तरह व्यवहार करने लग गए हो, इसलिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता अब नहीं है। तो संतों ने कहा कि हम श्राप देते हैं कि आपका निवास पृथ्वी पर हो। और केवल ये इतने शब्द बोले और श्री भगवान तुरंत संतों के सामने प्रकट हो गए हैं। जय विजय के मन में अभिमान था, अभिमान का स्वभाव है कि सूक्ष्म रूप से अंदर आता है और पूरी तरह से पतन जब तक नहीं होता है तब तक अभिमान जाता नहीं है। तो ये अहंकार का स्वभाव है, अभिमान का स्वभाव है कि अभिमान जब आता है तो पता नहीं चलने देता, और जैसे ही आता है तो जब तक ये नष्ट नहीं कर दे तब तक अभिमान खत्म नहीं होता है। तो श्री संतों ने जैसे श्राप दिया तो उसी समय श्री भगवान सामने प्रकट हो गए, और जैसे प्रभु सामने प्रकट हुए तो सनकादिक ऋषि लोग जो है चरणों में प्रणाम करते हैं। और श्री प्रभु ने सनकादिक ऋषियों को प्रणाम करते हुए कहा कि ये मेरे द्वारपाल है, इनसे गलती से गलती हो गई है, इसलिए इन्हें आप क्षमा करें। इतने में जय विजय भी संतों के चरणों में गिर पड़े और कहा कि हमसे भूल करके गलती हो गई है, लेकिन हमें क्षमा करो। तो संतों ने कहा कि गलती चाहे आपने भूल करके करी है या अभिमान में करी है, लेकिन आपसे गलती हुई है, इसलिए आपको दंड तो मिलेगा। हम संतों की वाणी प्रभु आपने ही सिद्ध करी है कि हम जो कहते हैं वो निश्चित रूप से हो जाता है, और ये आपने ही कहा है कि भजन का प्रभाव बढ़ता है, जो कहते हैं वो हो जाता है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु हम इन्हें जो हमने कह दिया वो तो होगा। प्रभु ने कहा कि हाँ वो बात भी सही है, पर केवल ऑप्शन दे सकते हैं कि पृथ्वी पर जाने के बाद में कैसे आपकी दोबारा इन्हें प्राप्ति होगी। बोले पृथ्वी पर अगर ये राक्षस बन करके रहेंगे तो 3 जन्म में ही इनका उद्धार आप कर दोगे और ये आपको प्राप्त कर लेंगे, और अगर भक्ति के द्वारा आपको पाना चाहेंगे तो 7 जन्म की भक्ति इनको करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी प्राप्ति इनको होगी। तो जय विजय ने मन में सोचा कि राक्षस बनने में फायदा है, क्योंकि राक्षस बनने में 3 ही जन्म का इंतजार करना पड़ेगा, और साधु बनने में, भक्त बनने में तो 7 जन्म की प्रतीक्षा करना पड़ेगा, तो इसलिए राक्षस ही बन जाते हैं। तो जय विजय ने विचार कर लिया कि अब हमको राक्षस ही बनना है। सनकादिक ऋषियों ने मन ही मन में सोचा कि देखो हम इतने दिन से भगवान की साधना करते हैं, तपस्या हमने की है, लेकिन आज तक भगवान ने इनको जिस शब्द से संबोधन किया है हमको आज तक नहीं किया है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे संत हो, और जय विजय को क्या कहा भगवान ने कि आप इन्हें क्षमा करिए, ये मेरे द्वारपाल है। तो भगवान ने इन्होंने गलती की तो भी श्री प्रभु ने इनको मेरा कहा है, और हम इतनी साधना करते हैं तो भी भगवान ने हमको मेरा नहीं कहा है, तो इसका मतलब हमारी साधना में कमी है। तो इसको, इस दूरी को दूर करना है, इसके लिए श्री सनकादिक ऋषि ने कहा कि प्रभु प्रथम अवतार में इनके उद्धार का कारण हम सारे संत महात्मा बने, क्योंकि संतों को भगवान का मेरा बनना है, आप में और मेरे में थोड़ा सा दूरी हो जाती है शब्दों में। तो प्रभु ने कहा कि आप मेरे
इनका मेरा बनना है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रथम अवतार में इनके उद्धार का कारण हम सारे संत महात्मा लोग बने। तो प्रभु ने कहा कि तथास्तु। तो पहले अवतार में इन्हीं सनकादिक ऋषियों के अंश से मिल करके भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी का जन्म होता है। और प्रहलाद जी ने से जब पूछता हिरण्यकश्यप की बताओ इस खंभे में भी तुम्हारा भगवान है, तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ इस खंभे में भी मेरा भगवान है। जैसे हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया तो श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया और हिरण्यकश्यप का वध हो गया। उसके बाद में भयंकर क्रोध से लाल श्री नरसिंह भगवान, इतना क्रोध की शांत नहीं हो रहा है। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं पर क्रोध बढ़ते जा रहा है। देवता लोग दौड़ते हुए लक्ष्मी जी के पास गए, बोले मैया प्रभु को क्रोध आ रहा है तो आप शांत कर सकती है। अब पति को अगर क्रोध आए तो यही होता है ना कि पत्नी जी सामने जाए तो हो सकता है क्रोध शांत हो जाए।